लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों ताहा, तुम्हें अपनी भाभी जान पर बहुत नाज है ना? तो लो ये डायरी पढ़ लो, सारी सच्चाई जाहिर हो जाएगी। अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी जान की मौजूदगी में मैं ये डायरी पढ़कर सुनाता हूं। अगर भाभी जान गलत हैं, तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसे देते हो मौत की धमकियां? किसे देते हो मौत की धमकियां? हम जी कहां रहे हैं जो मर जाएंगे? क्या बात, क्या बात। एक और बहुत बढ़िया लिखा है। या खुदा कब अता फरमाएंगे मुझको खुशी, जरा सी जिंदगी है ये, जरा सी जिंदगी। आप लोगों को शायद पता नहीं कि ये सब भाभी जान के दिल की सदा है। इस डायरी के हर एक पेज पे भाभी जान का दर्द गम भरा है, यही इनकी सच्चाई है। अम्मी, तन्हाई दूर करने के लिए मैं शेर लिखती रहती हूँ। बचपन से ही मुझे ये शायरी का शौक है। कैसे लगे आपको ये शेर? भाभी जान, अम्मी को आपके शेर बहुत पसंद आए। इतने पसंद आए कि आपको दाद देने के लिए उन्हें अल्फाज भी नहीं मिल रहे। क्यों अम्मी? भाभी जान आपकी डायरी। चार चांद तो लग नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं एक ट्राई और करूंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शुक्र करो ये बात वहीं पर खत्म हो गई। अगर अब्बू जान तक पहुंच जाती तो आप पर खड़ी हो जाती। तुमसे कोई काम कहना तो अपने मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है।
रहा है? कहाँ जा रही हो? अबू, वो मैं किसी काम से जा रही थी। देखो बेटी, तुम किसी की अमानत हो, कुछ दिनों बाद तुम किसी और घर की जीनत बनने वाली हो। अब तुम्हारा बाहर आना जाना ठीक नहीं है। अबू, मैं पढ़ाई के सिलसिले में अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बेटी, जिस घर में तुम बहू होकर के जा रही हो, उनके कुछ अपने उसूल हैं, अपने कुछ तौर तरीके हैं। तुम्हें अपने आप को उनकी तरह तब्दील करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें कबूल कर सके। अबू, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। देखो बेटी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। तुम्हारी होने वाली सास नखत परवीन बहुत सख्त मिजाज की है, सारे घर की जिम्मेदारी उन पर है, बल्कि यूं कहो कि बिजनेस का भी सारा बोझ उनके कंधों पर है। बड़ी बाउसूल खातून है, हो सकता है तुम्हारी कुछ आदतें उन्हें पसंद ना हो। बेटी, मैं नहीं चाहता कि उनके घर का कोई आदमी हमारी तरफ या तुम्हारी तरफ उंगली उठा करके देखे। बेटा, एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, तुम अपने गुजरे हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को तबाह मत करो। इसमें तुम्हारी भी बेहतरी है और हमारी भी। अब तुम जा सकती हो। चौधरी निखत परवीन, ये बिजनेस हमने अपने खून पसीने से एस्टैब्लिश किया है, और ये चंद लोगों की बेवकूफी की वजह से बर्बाद हो जाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। सिर्फ जी कहकर आप अपना दामन नहीं झाड़ सकते, हमें जवाब चाहिए। इस साल हमारी कंपनी को 1.5% का नुकसान क्यों हुआ? खुदा झूठ ना बुलवाए मोहतरमा, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। हमने आपसे सवाल पूछा। मुआफी का तलबगार हूं। बताइए अलाउद्दीन साहब, हमारा सवाल अब तक जवाब का मुंतजिर है। जी, वजह हम फिलहाल बयान नहीं कर सकते मैम। दो दिन में हमें जवाब चाहिए। हमने आप जैसे लोगों को हमारी कंपनी में इसलिए नहीं रखा है कि हमें नुकसान उठाना पड़े। जितनी सैलरी हम आप लोगों को देते हैं, शायद ही कोई कंपनी वाले अपने स्टाफ को देते होंगे। उसके बावजूद भी आप लोग हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे सकते। नजरें उठाकर हमारी बातें सुनिएगा, क्योंकि जिसके दिल में खोट है वही नजरें नहीं मिलाता। वाहिद, फरमाइए। आज शाम 5 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाइए। अच्छी बात है। और हाँ, सबसे कह दीजिएगा कि मीटिंग 5 बजे की है। जी। 5:01 की नहीं, और जो भी 1 मिनट लेट आएगा उसे एंट्री नहीं मिलेगी। जी मोहतरमा। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए
जाकर मेरे सवाल का जवाब तैयार कीजिए या फिर अपना इस्तीफा। जाइए। कुछ अर्ज करो। जी बोलिए। खुदा झूठ ना बोले, गुस्सा सेहत के लिए नुकसान दे है। भाई मेरे, जो लोग वक्त को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वक्त उनके कब्जे में रहता है, और जिसे वक्त अपनी मुट्ठी में कर लेता है, वह अपनी किस्मत के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। समझ गए आप? फरदीन कहाँ है? जी अभी तक लौटे नहीं। अभी तक लौटे नहीं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। तुम्हें पता है वक्त क्या हुआ है? जी। वक्त हमारे साथ चलता है, हम वक्त के साथ नहीं। कहाँ हो तुम? जी हम बस अभी पहुंच रहे हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम, बैठो। I'm sorry मम्मी जान, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। हमने तो आपका इंतजार कर लिया, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है बेटे। अब तुम बड़े हो चुके हो, बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसलिए अब हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें। अम्मी जान, बात दरअसल यह है कि मैं किसी काम के सिलसिले में फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई। अगर एक काम को करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़े तो उस काम का कोई अहमियत ही नहीं है। अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो वक्त के पाबंद बनो, यह हमारा मशवरा है। जी अम्मी जान। रिदा के घर वाले चाहते हैं कि यह शादी जल्द से जल्द हो जाए। वैसे मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सोचा तुम्हें बता दूं। गुड नाइट, कल सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। और हाँ, कल कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं, ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना। हेलो। आदाब, निगत परवीन बोल रही हूँ। आदाब, सब खैरियत है? अल्लाह का करम है। फरमाइए। हमने आपको इसलिए तकलीफ। दी क्योंकि हम चाहते हैं कि शादी की रस्म हम जल्द से जल्द अदा कर दें, ताकि रीदा बहू बनकर हमारे घर आ जाए। ये तो रिदा की खुशनसीबी है कि वो आपके घर जा रही है। शादी की तारीख तय हो जाए तो आप हमें इत्तला कर दीजिए, ताकि शादी की तैयारियां हम भी शुरू कर दें। शादी की तैयारियां तो बेटी वालों को ज्यादा करनी पड़ती हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, सहूलियत के मुताबिक तारीख तय कर दीजिए। जी, इसके लिए तो मुझे रिदा की अम्मी से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। शौक से कीजिए। जी, शादी की तारीख तय करके मैं आपको फोन से इत्तला कर दूंगा। बेहतर है, आप ज्यादा परेशान ना हों। हम जानते हैं लड़के वालों से ज्यादा लड़की वाले टेंशन में रहते हैं, और हमें अपने साथ साथ आपकी परेशानियों का भी ख्याल रखना है। ये आपकी जरा नवाजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम अपने उसूलों के पाबंद जरूर हैं, लेकिन पत्थर दिल नहीं। हर इंसान को एक दूसरे से हमदर्दी रखनी चाहिए। अच्छा, अपनी वाइफ को हमारा आदाब जरूर कह दीजिए, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है वो? उस कमरे में। चलो चलिए। दरवाजा अंदर से बंद है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, जो भी होगा वो कानून की गिरफ्त से बच के नहीं जा सकता। देखो तुम जो भी हो, अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो बाहर आ जाओ। से भाग गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम कहाँ है? भाग गया। भाग गया? कैसे? खिड़की से। आपने आने में देर की इसलिए उसे भागने का मौका मिल गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि वो हारिस के कमरे में ही क्यों गया? ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज की तलाश है जो इस कमरे से ताल्लुक रखती हो। तलाशी पूरी होने से पहले ही उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुला लिया? हाँ, पुलिस को बुला लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, वरना गजब हो जाता। मगर उस फाइल का क्या हुआ? तो फाइल ही तो नहीं मिली, और ना ही वक्त मिला कि मैं कुछ और तलाश कर पाऊं। मंजूर, अब वो लोग और अलर्ट हो जाएंगे। उस फाइल को हासिल करने के लिए हमें हड्डी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें किसी भी कीमत पर किसी भी तरह उस फाइल को हासिल करना होगा, क्योंकि उस फाइल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हो मंजूर, अपने मकसद को हासिल करने के लिए उस फाइल का मिलना बहुत जरूरी है।